दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देख सकते हैं, एक बॉट की तरफ से नेक बैंड जो कि टच कंट्रोल वाला है। जी हाँ, देख सकते हैं, रॉकरेज एपेक्स। जी हाँ, मार्केट में बहुत ही कम टच कंट्रोल वाले नेक बैंड होते हैं, तो आज ये देख सकते हैं बॉट की तरफ से मैं एक नेक बैंड लेके आया हूँ। और इसका प्राइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसका प्राइस कितना है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, पहले कर लेते हैं अनबॉक्स। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं वही मैनुअल गाइड्स वगैरह यहाँ पर रहता है, जो भी रहता है बॉट का, जो भी रहता है स्टिकर वगैरह भर भर के मिल जाता है आपको। ठीक है, रद्दी के लिए आपको काम में आ जाएगा, देख सकते हैं आप इसको बेच के 2-4 रुपये कमा भी सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको चलिए सबसे पहले रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सी टाइप केबल दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। यहाँ पर जैसे कुछ एयर टिप्स दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं बॉट का स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा नेक बैंड है कुछ इस तरह से। क्वालिटी वाइज बताऊँ तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, यहाँ पर देख सकते हैं फुल प्लास्टिक का ये बना हुआ है, लेकिन आपको कुछ स्पोर्टी टाइप का फील देगा जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो प्लास्टिक का ये जो है ऐसे कुछ इस तरह से बैंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉट का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बॉट का ब्रांडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो कुशंस वगैरह है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और इस साइड में आपको देख सकते हैं पूरा टच कंट्रोल मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं प्लस माइनस का आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है जो कि मोड बटन दिया हुआ है, इसमें बीस्ट मोड वगैरह आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छा लो लेटेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक दिया हुआ है, बट इस मैग्नेटिक में आपको ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली मैग्नेटिक है। और वायर की क्वालिटी भी डिसेंट सी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको चार्जिंग केबल के लिए लगाने के लिए सी टाइप पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये जो डिज़ाइन और लुक है वो आपको स्पोर्टी फील देता है। अब बात करते हैं मेन इसके साउंड क्वालिटी की और टाइमिंग की। तो इसमें आपको अगर 60% या 70% में आप सुनते हैं तो आपको 30 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ENX टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, जिसमें इसमें आपको बीस्ट मोड मिल जाएगा, आपको इसमें टच सेंसर वगैरह आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये 2-3 कलर में अवेलेबल मिल जाता है। बात करते हैं इसमें जो चार्जिंग टाइम की, तो आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 10 घंटे तक का प्लेबैक टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी सही में बात करूँ, कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा स्पीड है, 5.3 का कनेक्टिविटी दिया हुआ है ब्लूटूथ का, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट कनेक्ट हो जाता है। बात करते हैं इसके साउंड की, तो साउंड क्वालिटी मुझे सही में बहुत ही अच्छा लगा। हेवी बेस वाले लोग के लिए नहीं है, क्योंकि हेवी बेस में ये उतना खास काम नहीं करता, लेकिन सॉफ्ट म्यूजिक के लिए बहुत ही अच्छा आपको साउंड प्रोवाइड करता है। 10mm के ऑडियो ड्राइवर्स दिए हुए हैं, जो कि साउंड क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, अब करते हैं, चलिए एक बार करते हैं आपको टच टेस्ट। ठीक है, इसका जो टच टेस्ट है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ आप इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। अगर आप डबल टैप करते हैं ऊपर साइड में तो जो ऑडियो है वो नेक्स्ट हो जाएगा, और अगर आप नीचे डबल टैप करते हैं तो जो पिछला गाना था वो आपका फिर से वापस आ जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, मुझे इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कभी कभार टच कंट्रोल मुझे उतना सही से काम नहीं लगा। ठीक है, तो ये आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टच वाले में यही दिक्कत है कि कभी कभार ये क्या होता है कि काम वगैरह नहीं करता है सही से। ओवरऑल बात करें साउंड क्वालिटी सही में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे मेन आपका जो, अगर आपको इस एक्सपीरियंस लेना है तो अगर आप इसमें मूवीज़ वगैरह देखते हैं इस नेक बैंड को यूज़ करके, तो मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि मूवीज़ का जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, जो बीट्स वगैरह है, म्यूज़िक वगैरह है, बहुत ही अच्छा प्रोवाइड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं बताऊँ बेस्ट फॉर मूवीज़ है। ठीक है, मूवीज़ लवर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें मूवीज़ का जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे सही में बहुत ही अच्छा लगा। गेमिंग की बात करें तो मैंने गेमिंग हल्का फुल्का खेला, क्योंकि मैं उतना गेम खेलता नहीं हूँ। ठीक है, गेमिंग में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, गेमिंग में भी मुझे सही में इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा लगा। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये मुझे ओनली 1400 रुपये में मार्केट में अवेलेबल मिल गया। अगर आप भी कुछ इस तरह से नेकबैंड खरीदना चाहते हैं कुछ यूनिक डिज़ाइन का टच कंट्रोल वाले, तो आप इसके जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। 40 ms का लो लेटेंसी दिया हुआ है, जो कि गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है।